नमस्कार दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर सह टुडे एट नाइन बुलेटिन को स्वागत करुछि मु बापी। गंजाम जिलार खलिकोट बेगुनियापड़ा गस्तर आसी दस जनिया महिला गृह कमिटी प्रथम दिन में खलिकोट लंगलेश्वर ठार प्रथम दिन कार्यक्रम आरंभ विभिन्न महिला सहायक गोष्ठी महिला से समस्या विषय में बुझी आलोचना करते एपरी अपराह में कवि सूर्यनगर ब्लक्र कस्तूरी आवासिक विद्यालय में पहुंची छात्री मानू मेनु अनुजाई खाद्य दि जाऊ कि नहीं ता पचारि बुझिते सरकार सब योजना गुड़ाक आम चेक करें जो गस्तर आंजाम आ सब जगह जमी कार्यकारी हो बहुत भलर कार्यकारी होपर जहाँ भी आम को जहाँ कहते से गुड़ाक शुणी आम फिल करलु जे प्रकृत में सरकार कार्यक्रम गुड़ाक ठीक भाव चलती कौटी कंकड़ा जीव आउ थे का अन्य ब्लक गुड़ाक जीवर कलेक्टर सागर देखा हम छत्रपुर पर आशा करदर्शन करने द्वारा लोक सचेतन बाध्यर हो पारे आम तो यहाँ प्रथम थर ना इति पूर्वर भी बहुत थर आसीचु आ देखी जे लोक सचेतन हो मयूरभंज जिला बांग्रीप्रसी ब्लॉक स्थित जामदापाड़े मानवर मंत्री सुदाम मारांडी शहे सज्जा विशिष्ट छात्री निवास आदर्श विद्यालय निम्ते भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछन्ति। एक वर्ष मध्य कार्य असंपूर्ण रही चलित वर्ष 51 जन छात्र छात्री नाम लिखाई बांग्रीप्रसी सरकारी उच्च विद्यालय गोटे रूम नि मॉडल स्कूल छात्र छात्री पाठपढ़ा दीर्घ दिन चली आसुची दुखर विषय यह छात्र छात्री को पढ़ापी निजस्व विद्यालय गृह ना बेले सरकार एवं एजाए शिक्षक निजुक्ति करना फल असुविधा चली पाठपढ़ा तेज बांग्रीप्रसी सरकारी उच्च विद्यालय द्वारश्रेणी बालिका विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री मैंने पाड़ी कर आसी पाठ पढ़ा बेले बहुत समय श्रेणीगृह फाँखा पड़ता नहीं अभियोग हो परीक्षा जमा भी है भलसे पढ़ा भी हो दिन में गोटे कि दुईटा क्लास होगा सर आम 2019-20 आर्थिक वर्ष ओडिशा आदर्श विद्यालय जामदापाड़ जो खोलगला से सर सरकार तरफ विभिन्न इंटरव्यू नहीं एंट्रान्स कर छात्र छात्र छात्री मानक एडमिशन करागला एडमिशन करागला अद्यवधि 8 मास 9 मास गला कौन प्रकार शिक्षक नाहते कौन शिक्षादान व्यवस्था ना छात्र छात्री मानक बहीपत पोशाक पत्र कौन प्रकार व्यवस्था ना पाने सका 8 आसा 8 फेरुंट जीवन सबुठ महत्वपूर्ण समय को बर्बाद किंतु से जो समय बर्बाद ता बाबद से माने जो शिक्षा पाइबा कथा से पर्यटन साधु शिक्षा पाइबा 19 तारीख जिला शिक्षा अधिकारी सहित जहाँ आम आलोचना कलु आदर्श विद्यालय बांग्रीपुसी जामदापर डेवलपमेंट और एंगेजमेंट टीचर मान को दिजो जहाँ आवश्यक पड़ो एवं से सब क्लास गुड़ाक पढ़ेबे आसंता 11/2019 और मुझ सारफ निजे भेरीफाई करी समस्त क्लास पढ़ा हो ना एवं आसंता नवेम्बर शेष सुधा आमर रेगुलर पोस्टिंग हबार जहाँ निर्देश आम सूचना पाई आपको जन कोरापुट जिलार आदिवासी संस्कृति ऐतिह्य एवं परंपरा बहन करुवा ब्लक स्तरीय पर्व 2019 धूमधाम पालित होती ब्लक्र विडीओ रजनीकांत दास सभापतित्व में आयोजित ब्लक स्तरीय पर्व स्थानीय बीरखम्ब पोलठे पारंपरिक पूजा अर्चना करता मुख्य अतिथि भाव में हस्तंत बयन शिल्प मंत्री श्रीमती पद्मीन दियान जोगदे बीरखम्ब पोलठे पूजा अर्चना कर मशाल जाते ब्रह्मपुर ड्रेनेज डिविजन कोटी कोटी टंकार व्यापक दुर्नीति अभियोग में गंजाम जिला बीजेपी पक्ष विजिलेंस कार्यालय ठारे विक्षोभ प्रदर्शन विजिलेंस आरक्षी अधीक्षक जरिया राज्य गृह सचिव को दावीपत्र प्रदान ड्रेनेज डिविजन अधीन सापुआ नाल और बाहन नाल में वर्षा दिन में सठिक ड्रेन पा निष्कासन नईपर जो सामान्य वर्षा बना परिस्थिति उपजुता बेले ड्रेनेज डिविजन यार रक्षणाबेक्षण आसुवा टंका हरिलुट करजेपी अभियोग कर तदंत विजिलेंस आरक्षी अधीक्षक जरिया एक दावीपत्र राज्य गृह सचिव को प्रदान
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ପୌରପାଳିକା 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କ୍ଷୀରକୋଣୀ ଗ୍ରାମର ଦଣ୍ଡାପଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ହରିହାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟି ଖାଲ ଢିପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଟି କାଦୁଅରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ତେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏକସାହି ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସୋରର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେବ ବୋଲି ଯନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଣ ହେଇଛି ରାସ୍ତାର? ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାନବାହାନ କିଛି ଯାଇପାରୁନି, ମୋଟରସାଇକେଲ ନୋଟିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡେଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଉନି। ଯାହା ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପେଟେ ପାଣି ହେଉଛି, ଆମେ ସାର ଯାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଦ ବାଲୁ ବାଲୁ କାଦ। ଇଏ ତ ରାସ୍ତାଘାଟର ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ନୋଟିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଏଇ ଠିଆ ହେଲା, ଯାଇପାରୁନାହିଁ କାଦର। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତ କାଦ, ଏଟା ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ରାସ୍ତା କାମ ତ କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ଏଇ ହଇରାଣ ଆମେ ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯେ ସୋର କୋର୍ଟ ଛକ ପାଖରୁ ଏକ୍ସଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଖିରୁକୁଣି ଲଗା ଖିରୁକୁଣି ଏକ୍ସଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଥିଲା, ସେଥିରେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଟାକୁ ତ ଦିଆହେଲା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ନେଇଛି। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ନେଲା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ମାନେ ତାକୁ କାମ ନେଇଛନ୍ତି, ନେଇକି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛତ୍ରପୁର ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିରୁକୁଣି ଏକ୍ସଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରା ଏକ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାରି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଲାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି। ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉନାହିଁ, ଆର କୌଣସି ମଜୁନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି କି? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଧାନ ହେଲେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମହାନ ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହଯୋଗିତାରେ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରକାଶ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ରହିବ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗସାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ପାସ୍ଥିତ ଲୋକ ଯୋଜନା ପରିସରରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସର ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଗ୍ନୋର କୋରାପୁଟ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବି ରାଜଗୋପାଳ ଯୋଗଦାନ କରି ଇଗ୍ନୋର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ପରି ଏକ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଡିଗ୍ରୀ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଏଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ହେଲେ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାଳୀ ପୂଜା ଅମାବାସ୍ୟା ପରଦିନଠାରୁ 6 ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ପେଟ ଭିତରେ ଯାଇଥିବା ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ ଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। 1994 ଛଟ କମିଟି ତରଫରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ତଥା ବ୍ରତର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନାସାରଠାରେ ଖାଇବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଥାନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚମୀ ତଥା ବ୍ରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଖରନା ଭୋଗ ଖାଇ ବ୍ରତ ପାଳିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ତଥା ବ୍ରତର ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଦୀପଠାରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଢାଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନ ତଥା ସପ୍ତମ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ରାତି 3ଟାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ଫଳ ଆଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଜଳଢାଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। कार्तिक महीना जो है वो सब महीना से उत्तम महीना है। कार्तिक महीना में जो पिछला पक होता है उसमें पंचमी के रोज से छठ पूजा का प्रारंभ हो जाता है। पंचमी के रोज भात का होता है, नहाने खाने का होता है और दूसरा दिन होता है लोहंडा। तीसरा दिन जो होता है वो पहली अर्घ होता है शाम को, और शाम को जो अर्घ होता है उस रोज से जो उपवास करती है पर्वतीय लोग, उन लोग कुछ भी नहीं खाती, एक बूंद जल भी नहीं पीती है। दूसरा दिन छठवीं सप्तमी के रोज उन लोग आकर सुबह का जो अर्घ देते हैं छठी मैया को,
उसके बाद सबको मुंह में पानी लेते हैं, थोड़ा सा फल लेते हैं। इस पूजा के इतनी महान है कि जो जो कामना लेके आता है उसका सारा कामना पूरा होता है। कोई बच्चा मांगे तो बच्चा मिल जाए, कोई धन मांगे तो धन मिल जाए, जिसका जो तकलीफ है छठी मैया सबको पार लगाते हैं। भगवान एवं शक्ति प्रदान करने वाले हैं, आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। विगत 25 वर्षों से यह सरस्वती पूजा इस पवित्र हड़काई नदी के किनारे पर आयोजित हो रहा है, जिसमें बचन को बोली बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और अन्य प्रांतों के भी लोग इसमें शामिल होते हैं। विशेष कर यह पूजा 2019 पवित्र अवसर में समस्त भक्त मानक श्रद्धालु मानक उपासक मानक हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। आम यो कार्यक्रम चली गोटे समय थी 94 जिते आम आरंभ कर एक पर्व थिला एवं वर्तमान यह एक महोत्सव हो जाएगी। सेतेबेले किसी लोक करूले वर्तमान सब संप्रदायर लोक मैंने मिसिकी छट कर देखुं ये आम सहित सब संप्रदायर लोक मैंने अच्छे खाली बिहारी नुहे यहाँ कह जाऊला बिहारी पर्व वर्तमान मुझुच्छे यह बिहारी पर्व नुह यह समस्त पर्व सूर्य पर्व। राज्य सरकार ठिकादार मानकर प्रति नकारात्मक मनोभाव एवं शोषण करी अर्थनैतिक क्षेत्र में संपूर्ण विपर्यास्त कर सारे। एपरिक ठिकादार मैंने सरकारी बाबू एवं इंजीनियर मानकर अन्याय को मुंडपोती सही नौकरी बहुत होगा अन्याय को आज सह्य कर सरकार कार्यपंथा को विरोध करने को पड़ ठिकादार मानक दाबी मुताबक राज्य सरकार जदि समर्थन न करती तो ठिकादार भाई मैंने समस्त कार्य को बंद करेंगे। आज पूर्वाह्न पिपिली तहसिल कार्यालय निकट में श्रीकृष्ण गार्डेन आयोजित राज्य ठिकादार संघ सभार निखिल ओडिशा ठिकादार संघ पुरी जिलार आवाहक प्रफुल्ल चंद्र पंडा सभापतित्व एक बैठक होता है। मुख्य अतिथि भाव में राज्य निखिल ओडिशा ठिकादार महासंघर सभापति प्रभा दास जोग देते। एथसह अतिथि भाव महासंघर साधारण संपादक भाग्यधर दास, प्रताप केशरी परिडा प्रमुख योगदान देते। तबे बैठक में 10 दफा दाबी सम्बलित ठिकादार मानक विभिन्न समस्या बाबद राज्य सरकार निकट में दि जा 10 दाबी उपरे आलोचना कर तबे ठिकादार मानक दाबी पूरण पर राज्यर समस्त ठिकादार मैंने एकत्रित होगा आवश्यक बोली सभापति श्री दास कहते। पर दाबी पूरण पर समस्त ठिकादार मैंने गोटे संकल्प में कार्य करेंगे, जपर्यंत राज्य सरकार से दाबी पूरण न करपर्यंत से समस्त कार्य बंद कर रखा समस्ते ठिया शपथ नहीं। निखिल ओडिशा ठिकादार महासंघर गत 1 तारीख ठार आरंभ होता कार्य बंद आंदोलन में पुरी जिला ठिकादार संघ आजिठार सामिल होती। तेज कार्यक्रम में ठिकादार नीलू चक्रवर्ती अतिथि मानक परिचय प्रदान करता बेले कार्तिक स्वयं समस्त को धन्यवाद अर्पण करते। बैठक में पुरी जिलार विभिन्न अंचल 500 ऊर्ध ठिकादार मैंने योगदान देते। शुणु ये धमक नुहे, एटा वास्तव परिस्थिति। वर्तमान ओडिशा सरकार बहु भूल निष्पत्ति एवं भूल नियम फल ओडिशा ठिकादार माने अति दुखमय समय भितर गति कष्टमय समय भितर गति किंतु वर्तमान सरकार ओडिशा ठिकादार मानक इमिति दुख भितर को कष्ट भितर को पेली देला बेले बाहर ठिकादार आनी करी तांको बेस बहु गुण में अधिकार रेट देकरी काम संपादन करमर आप गणमाध्यम मध्यम आमर दाबी हूँ जे सरकार ओडिशा सरकार ओडिशा ठिकादार मानक जो भूल नियम भूल निष्पत्ति सब कार्यकारी कर तुरंत प्रत्याहर करूँ। ओडिशा ठिकादार महासंघ जो 10 दाबी सबमिट कर जो उपस्थापित कर सरकार आगे तुरंत ग्रहण ओडिशा ठिकादार मानक न्याय प्रदान कर। देखु आज्ञा सरकार आम ओडिशा कंट्राक्टर प्रति वैमात्रिक मनोभाव पोषण कर 2014 रु शेड्यूल एट आजाए बढ़ूनी 2017 रे 15% माइनस कर देले 14.99 गोटा केलांकारी करछंती जोटा कि स्टैंडर्ड माने सब स्टैंडर्ड काम को इनसिस्ट करछ। ता सहित एस्कालेसन 2007 रु दौना 2012 रु स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट बाहर करना 1972 रु ताकर ओपीडब्ल्यू कोड रिविजन हैनी ओडिशा डिटेल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 1962 रिविजन हैनी पीडब्ल्यू होची नोडल एजेंसी बर्तमान स्थान अवस्था अच्छी तेणु ओडिशा सारा काम बंद हम 10 जगह दाबी पूरण होगा जाए जहाँ हम
ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶ ଦଫା ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତା ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଯେଉଁ ଦାବି କି ଆମେ ଖାଲି ଏବେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ 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 ଧରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ତରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନିରର୍ଥ ମାନେ କୌଣସି ତାର ଚାରା ପାଇଲୁନି, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଟୁଡେ ନାଇଟ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।